हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थर्ड गेम प्ले ब्लॉग ऑफ यूरो सिम्युलेटर 2। आज हम हैंडओवर में और यहां से हमें जाना है कार्लिसन, जो कि यहां से 630 किलोमीटर है। और आज जो हम ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं वो है ऑयल फिल्टर्स। और आज कंपनी ने हमें दिया है मैन कर रखी। इस ट्रक की परफॉर्मेंस भी कैसी ही होती है, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा है ये ट्रक, बट इसका थोड़ा जो इशू है वो आई गेस माइलेज का है। और भागने में तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो भाई, निकलने से पहले हमें रेड सिग्नल मिल गया, बस ज़्यादा रुकना ना पड़े आज की इस जर्नी में। आई होप आपको भी अच्छा लगे। बाकी देखे अगर हम लोअर का व्यू देखे तो अच्छा है, मतलब साइडों में पहाड़ है, जो मस्त मज़ा आ रहा है एकदम ड्राइव करने में, तो सीनिक है काफ़ी। अरे आगे एक और है जल्द ट्रैफिक सिग्नल, जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ फिर रेड लाइट होगी और आज टाइम भी लगने वाला है, क्योंकि 630 किलोमीटर बहुत होता है। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा ना, देखेंगे। रात भी होने वाली है, अभी टाइम क्या है, 4:30 होने वाले हैं। अरे यार ये थोड़ा सा इस लाइन से आगे क्या निकल जाओ, पैसे काट लेते हैं। अब जब निकल ही गया हूँ तो पूरा ही निकलता हूँ ना, वेट कर। चलो इधर के ट्रैफिक रूल्स तो मतलब जैसे एकदम, अगर 1 सेंटीमीटर भी बाहर निकल गए तो कट जाएगा आपका पैसा। पुलिस वाले की गाड़ी भी आ गई, ध्यान से चलना पड़ेगा नहीं तो फिर चलान काट देगा। अभी सामने आप व्यू देखो कितना मस्त है, और शाम का टाइम हो रहा है गजब। और यार बारिश ना आए आज, क्योंकि नाइट का टाइम है, नाइट में बारिश में तो वैसे ही लाइट होती है, और फिर वो जब पानी ग्लास पे गिरता है तो रिफ्लेक्ट होकर जब वो लाइट आंखों में आती है ना, बहुत ही गंदा लगता है। लास्ट टाइम हम गए थे, आपको याद हो तो, रोटरडम से कार्लिसन वाला भी अच्छा था, बट वो भी सेम इतना ही टाइम लगा था उसमें, वो ज़्यादा था, 690 किलोमीटर था। बट ये रास्ता थोड़ा ख़राब है उससे, वो वाला रास्ता अच्छा था। अभी तक तो सही चल रहा है भाई, 635 किलोमीटर ही चले हैं अभी तो हम, 8:05 हमारा एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रखे। बाकी चलने में ट्रक बहुत अच्छा है, लास्ट टाइम हमारे पास वोल्वो का था उससे तो अच्छा लग रहा है मुझे चलाने में। हैंडलिंग भी काफ़ी स्मूथ है इसकी। अबे भाई कैसे लेके आ रहा है यार, ये अंदर घुस पागल वागल है क्या? ऊपर से वो क्या है, रेलवे ट्रैक है, हाईवे का है? हाईवे है, रेलवे ट्रैक होता तो ऊपर वो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती है। बाकी अभी तो सही है, स्पीड भी अपनी 95-97 की लिमिट है, ठीक है। इधर लिमिट भी अच्छी है, लास्ट टाइम तो शायद लिमिट भी अपनी 80 से ऊपर नहीं गई थी हर रोड में, तो उसमें उस फिर भी इसमें टाइम लगने ही वाला है। ये थोड़ा रास्ता ख़राब है, आगे देखो। अभी जहाँ तक लिमिट मिलती है वहाँ तक खींच के लेते हैं। और आज आप देख रहे होंगे मेरे अकाउंट में सिर्फ 925 यूरोज, ये भी मैंने एक सेकेंड हैंड ट्रक खरीद लिया था, बट अभी हमारे पास ड्राइवर नहीं है, तो उस ड्राइवर को हायर करने के लिए मैं भी थोड़े पैसे चाहिए। उसके बाद वहाँ से हम मशीन शुरू करेंगे, अपनी कंपनी के लिए काम करेंगे। कब तक दूसरों के लिए काम करें? अभी तो भाग रहा है मस्त, 114 की स्पीड में, 115 भाई साहब। फ्यूल देखो, अभी फ्यूल ठीक ठाक है, बट डलवाना ही पड़ेगा रास्ते में, इधर रुक के डलवा लेंगे। आपको कौन सा ट्रक अच्छा लगा इस गेम में? वोल्वो का, स्कानिया का, मैन का, फिर रेनोल्ट का, और भी 2-3 कंपनी है, बताइए, कमेंट करके बताना मुझे। और बताना इसमें सबसे बेस्ट ट्रक कौन सा होता है, हम वो वाला नेक्स्ट टाइम खरीदेंगे अपनी कंपनी के लिए। अभी साइड में रेलवे ट्रैक है, यहाँ कोई ब्रिज व्रिज आए एक बार दिखाता हूँ आपको, ड्रोन शॉट लेके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा स्लो कर दो। ये अच्छा रिवर, रिवर के ऊपर से मस्त भी आ रहा है यार। पता है सबसे ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है चलते हुए ड्रोन शॉट लेना, ट्रक भी चलाने में ध्यान रखना और ड्रोन का भी ध्यान रखना। अभी देखो
इस टाइम डर लगता है कहीं ठोक ना दूंगा बस। जल्दी से आ जाते हैं अपने नॉर्मल ड्राइविंग एंगल पे। फाइव 65 किलोमीटर हो गया, मतलब लगभग 70 किलोमीटर आ चुके हैं। सही है, फिर तो सही चलाया यार हमने। आगे लेफ्ट, लेफ्ट से हाईवे चेंज करके उस पतली रोड ना मिल जाए, तो कोई पुलिस वाला ना मिल जाए। ये वाला ट्रक भी मैन का है, ज़्यादातर ट्रक मैन के ही चलते हैं इधर इस एरिया में। चलने में भी अच्छे होते हैं, भागते हो बहुत ही बढ़िया भाई। भागने में तो इनका कोई तोड़ नहीं है, गाड़ियों से आगे निकल रहे हैं बस, बाकी चलान ना कटवा लो। 925 यूरो, ये पता लगे माइनस में चला गया बैलेंस। बट इस वीडियो पे ठीक ठाक पैसा, मतलब इस क्या बोलते हैं मिशन में हमको ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आगे कौन सी पुलिस की गाड़ी जा रही है क्या? पुलिस की नहीं है, नहीं पुलिस की है, बस इससे आगे नहीं निकलना मुझे, नहीं तो पकड़ लिया तो कट जाएगा चलान। चलो भाई ये तो गया दूसरे रास्ते पे अपने, भी चलते हैं। व्यू देखो आप तब तक ड्रोन शॉट से। हाईवे बढ़िया है यार, 6 लेन है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, सोचना नहीं पड़ता है। स्पीड स्लो भी कर लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ 97 के आसपास क्रूजिंग करता हूँ इसकी। तो अभी थोड़ा भगाते हैं, ये भाई स्टेबिलिटी देखो इसके, आप टर्न पे इतना तेज भगा रहा मैंने और मस्त चल रहा है ट्रक, हिल भी नहीं रहा एकदम अपनी जगह से। बाप रे कट गए 800 यूरो कट गए, और जब कट ही गया तो भगाते हैं इसको, स्लो कर लेते हैं थोड़ा। चलने दो यार, एटलीस्ट लेट तो नहीं होंगे। 510 किलोमीटर, अरे वाह 120 किलोमीटर आ गए हम, बहुत जल्दी निकाला हमने अभी। कितने बजे चले थे हम? 4:30 बजे चले, 5:36। 120 भाई मैं क्या भगा रहा हूँ, 2 किलोमीटर निकाल रहा हूँ। ये ट्रक की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, अभी तो हम सबको ओवरटेक मारते हुए जा रहे हैं। आपको और कोई गेम का अगर गेम प्ले वीडियो देखना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो किसका। अगर आपको चाहिए कि मैं GTA 5 की वीडियोस बनाऊँ तो वो भी GTA 5 की बना देंगे। और कार ड्राइविंग, कार रेसिंग वगैरह कुछ ऐसा जो सर्वाइवल गेम्स चाहिए तो वो भी बताओ कमेंट करके। ये बॉय स्टेशन भी आ गया आगे, बट अभी वार्निंग तो आई नहीं है, जब वार्निंग आएगी तब डलवा लेंगे। वार्निंग आने के बाद भी ट्रक काफ़ी चल जाता है, मतलब 50-60 किलोमीटर तक चल जाता है, नियर बाय पेट्रोल पंप तक पहुंचा देगा हमको जहाँ वार्निंग आई वहाँ। मेरा बाकी कभी आज तक बंद तो नहीं हुआ है रास्ते में, तेल के चलते तो बिल्कुल नहीं। अभी यहाँ से हमें लेफ्ट हाईवे चेंज करना पड़ेगा, इंडिकेटर लगा देते हैं भाई पीछे से, पता नहीं आजकल। अरे भाई 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 आउट ऑफ कंट्रोल हो गया भाई, कुछ ज़्यादा ही स्पीड थी यार, बट ठीक है टकराया नहीं कहीं। चलान कटने के बाद हमारे पास पड़े 125 यूरो, बस 6 बजे शाम को, लग नहीं रहा है जिस तरीके से लाइट इधर। सनसेट लेट होता है क्या साइड तो अपने इंडिया में? तो 6 बजे एकदम मतलब अंधेरा सा छा जा छाने लगता है हल्का हल्का, बाकी कुछ गर्मी के दिन भी आ गए तो सनसेट लेट ही होगा। अभी काफ़ी गर्म दिन आ चुके हैं यार पहले के मुकाबले,
सामने एक और ट्रक जा रहा है, इसको ओवरटेक करने की कोशिश करेगा। बट अभी तो मैंने क्रूज़ कंट्रोल वो स्पीड लगा रखा है, क्रूजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा पैर दर्द करने लग गया कब से, रेस वाले पैर रख के एक्सेलरेट करते करते, तो थोड़ी देर उसको क्रूजिंग नहीं करते, 97 पे चलने देते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अच्छा चल रहा है टर्न स्पीड, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही, ऐसा नहीं है कि ट्रक मतलब स्कीड हो रहा हो फुल स्पीड में, कंट्रोल अच्छा हो रहा है अभी। और आप ये मत देखना कि मैं ऐसे ही घुमा रहा हूँ उसको, ऐसे जैसे पीछे मिरर में भी ध्यान रखना। बाकी आप ड्रोन शॉट लो तब तक छोटा सा, यहाँ से निकाल के कोई मस्त सीधी सी रोड आएगी ना और अच्छा सा भी आएगा, तब तो आपको ड्रोन शॉट लेगा अच्छा सा। बाकी देखो इस थोड़ा ना गांव वाला एरिया आ गया, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। इस साइड क्या होता है ना, इधर हिडन वो लगे होते हैं कैमरा स्पीड वाले, पुलिस वाले चुप के बैठे थे, क्योंकि इधर टर्न आ गया ना अचानक से, और ज़्यादा भगाऊंगा तो मुझे चलान भी उस हिसाब से कटेगा, और स्पीड लिमिट भी यहाँ 80 होगी, तो सारी गाड़ियाँ धीरे हो गई ना, तो इधर पक्का कोई ना कोई कैमरा होगा, या तो अब अपन भगा सकते हैं, जैसे सीधी रोड आएगी ना तो भगा दो, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। बट मेन तो टर्न में चुप के बैठे होते हैं पुलिस वाले भी। तो अभी सारी ओवरटेक कर रहे हैं, मैं अगर ये स्पीड लिमिट नहीं होती ना तो किसी को ओवरटेक ना करने देता भाई, और कब कब तक आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर दिया होता। हम 412 किलोमीटर और बाकी है अभी, तो 220 किलोमीटर चल के आगे लगभग 3 घंटे में। सही है भाई, भगाने का तो मैं 3-4 घंटे में भाई, वही है ये ट्रक 150-160 तक भागता आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इधर मोस्टली गाड़ियों की पीली नंबर प्लेट है, टैक्सी पे चलती है क्या ज़्यादा गाड़ियाँ? यहाँ से मैं जाना सीधा ये लो ड्रॉन शॉट मस्त वाला ट्रक, अच्छा लग रहा है अब मैं चलता हुआ ना। ओए बच गया, अभी टूट जाता ड्रोन शॉट के चक्कर में। सामने देखो विंड मिल्स, इधर विंड मिल्स बहुत मतलब ज़्यादा यूज में लेते हैं लोग, इतनी धूप धूप तो होती नहीं, तो सोलर वाला तो वैसे ही काम नहीं है। विंड मिल तो आपको हर शहर के बाहर मिलेगी, और सही भी है, ग्रीन एनर्जी रिफ्लेक्शन देखो विंड मिल एकदम मस्त है यार। अभी शाम के सात बजने वाले हैं, कोई अंधेरा नहीं, ऐसा मतलब सूर्य जैसा निकला हुआ है जैसे 5 बजे। या तो मुझे लग रहा है घड़ी खराब है, या फिर इधर सनसेट लेट होता है। यार बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बस बारिश ना आया। अरे भाई एक सेकेंड मैं भूल गया बातों यार, ये भी ध्यान रखना साथ साथ कि मुझे जाना कहाँ है, पता लगा बातों में लगा कहीं का कहीं फोन लगा दिया। चलो इस बार तो ध्यान आ गया लास्ट मिनट पर, वो गाड़ी वाले की वजह से ये यहाँ देखा ना साइड वाले मिरर में, थोड़ा मैप की नज़र चली गई, बच गया उसमें बेचारे में मैंने ठोक ही ली। तो मैं क्या बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी मौसम को देखते हुए, जिस तरीके का मौसम हो रहा है ना। पीछे वाला ठीक है, अभी अपन 80-81 पे चलते हैं, ज़्यादा भगाते नहीं, मुझे पता लगेगा चलान कट जाएगा। साइड में पुलिस स्टेशन में होटल भी इधर, बट
घंटा भी तो क्या ही सोएंगे, देखते हैं अगर कहीं पेट्रोल पेट्रोल डलवाना पड़ा ना रात में बारिश वारिश तो फिर अपन रुक जाएंगे रात भर, कोई रिस्क नहीं ज़्यादा, सुबह आराम से चलेंगे क्योंकि जल्दी तो है नहीं ना, ये कुछ अर्जेंट है ऑयल फिल्टर्स, मतलब डेडलाइन तो हमारे पास कल शाम तक की है, तो मैं क्या ही भाग के आराम से चलेंगे। वैसे भी कार्लिसल में जो जहाँ हम डिलीवर करने जा रहे हैं वो लोग तो मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ वहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, उनका फ़ोन आया था मुझे आराम से ले आना कल शाम तक, कोई जल्दी नहीं। कल शाम से तो पहले पहुँचा ही दूँगा, मैं आराम से 100 बजे आना तो भी कल शाम से पहले पहुँचा। बाकी आपको कल का व्लॉग कैसा लगा वो बताओ आप, अच्छा था क्या? मेरे को भी वह व्लॉगिंग करने में मज़ा आता है यार, टाइम पास हो जाता है ड्राइविंग करते करते, पहले तो एकदम चुपचाप चलाते रहो बोर हो जाओ गंदी तरह से, नींद आने लगती थी, तो मैं रास्ते में गाड़ी रोक के सोता 2-3 बार, इतनी दूर 800 किलोमीटर चलने में तो मतलब मुझे मान लो 4 बार तो रुकने रुकना पड़ता था हर 200 किलोमीटर के बाद, कभी कहीं चाय पीने रखो कभी कुछ कभी कुछ। अभी तो जब से वो हेडेक वाली प्रॉब्लम हुई थी और फीवर वाला, तो डॉक्टर ने चाय तो बंद ही करवा दी, क्योंकि अब गर्मी भी आ रही है तो चाय ज़्यादा पियेंगे और फिर ड्राइविंग करेंगे तो दिक्कत आने लगती है उससे, तो जब से चाय बंद किया ना मेरे को तो नॉजियस फील भी होता है और हेडेक वाली प्रॉब्लम भी। और आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है ब्लॉग्स पे, तो फिर ब्लॉग्स ही ठीक है ना। तो भाई 126 बखा रखा है मैंने, बारिश में देखता हूँ कहाँ पर पुलिस वाला आता है, बाकी कैमरा भले पकड़ ले पुलिस वाला तो मिलना मुश्किल है, चलने देते बारिश तो आनी, जैसे मैंने कहा था बारिश आ सकती है आज की, बारिश आई गई मौसम को देखते हुए। और आजकल तो भाई बारिश होने लगती है ना तो दो तीन दिन तक चलती है एक साथ, बंद भी नहीं होती है, बट हमें क्या टेंशन है, ट्रक तो हमारे पीछे से अच्छे से पैक है, उसमें तो कहीं से पानी आने से रख, बाकी एक बार अपन आगे चेक भी कर लेंगे ड्रॉन शॉट लेके रोक के देख लेंगे। अभी हम आ चुके हैं 274 किलोमीटर और हमने 50% से ज़्यादा कवर कर लिया एरिया, होने वाला है बस 3 घंटे दिखा रहा है, 3 घंटे पहुंचा देंगे आराम से, 3.5 घंटे हैं, 226 266 सामने, अभी बारिश कुछ कम हुई है मेरे को लग रहा है, हाँ यहाँ तक अभी फ्यूल भी कम है गाड़ी में, आगे देखते हैं यार, अभी तक कोई वार्निंग तो आई नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलने देते हैं, वार्निंग आएगी तो आगे वाले में डलवा लेंगे पेट्रोल पंप में, टैंक फुल करवाने की तो अब जरूरत है, जब इतने आधे से कम टैंक में इतना आ गया तो आप टैंक डलवा लेंगे ठीक है, कंपनी वालों का भी पैसा ही लगता है ना, हमें तो उनको बिल ले जाके देना होता है, वो पे करते रहते हैं अपने आप। देखो भाई कहीं लीक वीक नहीं हो रहा ट्रक, एकदम अच्छे से अपना पैक, पता लगे इनका फिल्टर भी क्या, यार गाड़ी वालों की स्पीड लिमिट ज़्यादा होती है क्या, मैं 98 से ऊपर चला रहा हूँ फिर भी देख लो ये लोग, आपको मस्त ड्रॉन शॉट देता हूँ, इधर का रिवर बहुत अच्छा, मतलब बहुत लंबा ब्रिज है ये वाला, देखो बड़ी रिवर है ये मेन रिवर है इधर की, मैं मतलब बोल रहा था कि ट्रक 100 से ऊपर भगा रहा हूँ, गाड़ी वाले फिर भी मुझको ओवरटेक कर रहे हैं, कार्स की लिमिट कितनी होगी मेरे को शायद 120-130 होगी ना, बाकी बारिश के टाइम में भगाना तो ठीक नहीं है यार, ब्रेक ब्रेक लगते नहीं है, गाड़ी स्लिप करने लग जाती है पता,
अभी तो 234 किलोमीटर और है। चलते हैं चलते हैं। और डिस्टेंस है 230 हो रहा है अभी, टाइम है 3 घंटे। पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला रास्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लास्ट ब्लॉक से, डिस्टेंस कम है फिर भी मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा लग ही रहा है इसमें, और भगाया भी मैंने फुल, ऐसे नहीं कि भगाया नहीं। या तो मुझे लग रहा है ये रास्ता लंबा है उससे, बट इन्होंने किलोमीटर गलत लिख के दिए मुझे, या फिर हम रास्ता पकड़ लिया होगा बीच में इसलिए हमें इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है लास्ट वाला 680 किलोमीटर था, उसमें टाइम भी हमें काफ़ी कम लगा था। अरे भाई टूट गया यार कैसे। देखो मैं बोल रहा था ना बारिश में स्कीड करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक मारो ना, ट्रक स्लिप करके साइड में जाता है। और आज मेरे को लग रहा है वेट भी अनइवन तरीके से लोड कर रखा है उन्होंने। अभी हमें आगे जाना है, लेफ्ट लेफ्ट नहीं जाना, स्ट्रेट ही जाना है। लेफ्ट तो आगे रास्ता ही बंद है मेरे को लग रहा है। चलते हैं भाई, अभी कितना और बचा है, 193 तो पहुंच जाएंगे। बस अब देखते हैं रास्ते में अगर कहीं बारिश वारिश तेज हुई तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम पड़ा अभी और 9 बज गए हैं रात के। आज वैसे फुल मून नाइट है ना, तो थोड़ा लाइट भी ज़्यादा है। ठीक है, ये भी हमको फ़ायदा होगा। मेरे को नींद भी आने लगती है, काफ़ी टाइम चलाते हैं। मान लो लगभग 450 किलोमीटर हम लगातार चलाते हुए हैं बिना रुके कहीं, बिना कोई ब्रेक लिए। तो अभी देखते हैं अगर पेट्रोल रुके रुके कहीं तो वहीं सो जाएंगे और सुबह आराम से चलेंगे। अभी रात को भी गए तो रात को वैसे भी वो गाड़ी तो अगले दिन सुबह मॉर्निंग में ही ट्रक खाली करेंगे, तो इससे अच्छा अपन रात को रुक जाते हैं, आराम से सो तो जाएंगे एटलीस्ट। तो वहाँ पर फिर ट्रक में जाके वहीं सोना है तो क्या फायदा। सुबह 9-10 बजे तक उनका ऑफिस खुलेगा तब तक वेट भी वहीं करना पड़ेगा, इससे अच्छा अपना आराम से बाहर रुकते हैं, आराम से सुबह चलेंगे, तब तक इनका ऑफिस भी खुल जाएगा। सही है ना। बारिश देखो यार रुकने का नाम ही नहीं ले रही, पिछले 2-3 घंटों से बरस लगातार बारिश हो रही है। अब तो इरिटेशन इस बारिश पीछे, बाकी अब बैक मिरर में व्यू देखो, राइट वाला जो मिरर है उसमें व्यू देखो, बाद में तो खतरनाक दिख रहा है। एक बार ठीक है, इधर बिजली बिजली नहीं कड़क रही भाई, बिजली से बहुत डर लगता है। यार 9:30 रखे हैं लेकिन अंधेरा उतना नहीं हो रहा है, पता नहीं किस वजह से, क्या मतलब अभी गर्मी की वजह से, बट गर्मी और इसका क्या लेना है। फुल मून ने तो आज सूरज को भी फेल कर दिया, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि सूरज की जरूरत ही नहीं भाई, तुम जाओ यहाँ से निकलो। काफ़ी हो है, सूरज बोल रहा होगा मेरी लाइट लेके मुझे आँख दिखा रहा है।
देखो भाई इधर थोड़ा भीड़ है, मतलब काफ़ी ट्रक्स है, थोड़ी स्लो कर लेनी चाहिए। अभी 90, 93, 94 बना रहा हूँ उसको। स्पीडिंग वायलेशन फिर कट गया 620 रुपये का, अब तो धीरे कर ही लेते हैं। एग्रो लॉर्ड पक्का कोई उसका होगा, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का ट्रक होगा, इसमें पक्का कुछ केमिकल वेमिकल ही होगा। तो भाई इससे थोड़ा दूर ही चलते हैं अपन, बच गए, इससे आगे निकल लेते हैं, कहीं में ठुकुक गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। इस कंपनी के ट्रक भी मैंने ड्राइव किए हैं, इसके लिए भी एक दो बार मैंने मिशन किया, अच्छा था, पेमेंट अच्छी देते हैं वाले, बट वही है रिस्क भी बहुत आता है यार केमिकल लेके ड्राइव करना। ये देखो कार्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सब गाड़ियों को धुलने की भी जरूरत पड़ी इतनी बारिश में। हजार्ड लाइट ऑन ऑन कर ही देते हैं यार, ऐसे अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग ब्रेकिंग करना पड़ा और कहीं स्लिप हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी अपने ट्रक में फ्यूल एकदम ही नहीं रहा है, बाकी कहीं पेट्रोल पंप मिलता है ना तो उसमें फ्यूल डलवाएंगे यार एक साइड में रोक के, 100 किलोमीटर ही बचा है, क्यों बीच में रिस्क लें ऐसे, कहीं रुक के खड़ा हो गया फिर किसको बुलाते फिरेंगे, फ़ोन कर करके उधर से आएंगे वो लोग। अच्छा फ्यूल डलवा लेते हैं कहीं रुक के, ये आ गया भाई फ्यूल स्टेशन। तो काम करते हैं इधर पेट्रोल भी डलवा लेते हैं और थोड़ी देर स्टे भी कर लेते हैं, रुक भी जाते हैं ना। अभी हल्की फुल्की बारिश तो कम हुई है, पूरी तरह तो नहीं रुकी है, हल्की फुल्की हो रही है बूंदाबांदी। तो इससे अच्छा एक काम करते हैं रुक जाते हैं, रात को अगर ज़्यादा तेज हुई तो वैसे भी वहाँ रुकेंगे भी काम, तो ऑफिस भी बंद हो गया होगा, बाहर ही रुकना पड़ेगा, बाहर रुकना ज़्यादा रिस्की है, इससे अच्छा पेट्रोल पे पार्किंग लगा के आराम से जो घर से हम टिफिन लाए थे खाना वाना खाते हैं और यहीं खा के यहीं सो जाते हैं ट्रक में पीछे बैठ में, सबसे बेस्ट रहेगा भाई। चलो अभी फ्यूल डलवा लेते हैं, हाफ से ज़्यादा ही करवा लेते हैं यार, कितना हो गया 378 लीटर काफ़ी है, 686 यूरोस, 1.81 लीटर का है भाई पेट्रोल नहीं सॉरी डीजल डलता है इसमें वैसे। अब आगे इधर राइट में लेके पार्किंग लगा के इसको और थोड़ी देर सो जाते हैं, सुबह जैसे ही लाइट होगी ना वैसे ही चल रहे, मेरे को भी अब काफ़ी नींद आने लगी है, मैं काफ़ी थक चुका हूँ चलाते चलाते इसको। चलो इंजन बंद करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, गुड नाइट गाइस, आप लोग भी सो जाओ टाइम से। हाँ गुड मॉर्निंग, आज हो चुका है थर्सडे और सुबह के 7 बज रहे हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। चलो कोई नहीं चलते हैं, अब तो 89 किलोमीटर, अब तो पहुंचा देंगे 1 घंटा 17 मिनट में, जाके आराम से 7 बज रखे हैं, 8:30 हुआ, ऑफिस तो खुल गया उनका, 8 बजे तक उनकी लेबर आ जाएगी तो खाली कर लेंगे, तो आराम से 2-3 घंटे इधर लंच वंच करके आराम से निकल लेंगे यहाँ से वापस, सही है ना। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, वैसे मैंने उनको फ़ोन करके बोल भी दी कि आप सब कुछ रेडी कर लो यार मैं पहुँचने वाला हूँ 1 घंटे में, तो बोले ठीक है हम लेबर बुला लेते हैं। अभी ट्रक थे मेरे को लग रहा है रात को सारे ट्रकों ने इधर ही स्टॉपेज लिया था आसपास और सारे एक साथ ही निकले। अब यार ये पागल वागल है सीधा इधर घुमा के ला रहे हैं भाई, देख ले कुछ नींद मत चला कर, नींद मत चला कर भाई मेरे, या तो मेरे को लग रहा है वो सोया नहीं है, वो जल्दी जल्दबाजी के चक्कर में भाग के लेके जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलना चाहिए यार, थोड़ा रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इतनी क्या जल्दबाजी। देखो पुलिस वाला अरे हमें भगाया होता ना हमने ऐसे चलान काट दो, ये आगे शायद एक टनल आने वाला, टनल में थोड़ी देर वाइपर बंद होगा भाई, बिल्कुल देख देख के अजीब से लग रहा है वाइपर, सही वो नहीं होता इल्यूजन सा वैसा क्रिएट कर रहे हैं भाई। और अभी बारिश ज़्यादा तेज हो रही है रात के मुकाबले, बट ठीक है अभी वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर तो नहीं आ रही, उस टाइम क्या होता है सामने की जो एक लाइट होती है ना वो ड्रॉप्स में रिफ्लेक्ट होकर 100 लाइटों के बराबर दिखती है और एकदम एक साथ आंखों में पड़ती है, तो कुछ दिखता नहीं है सामने का, उसमें एक्सीडेंट होने का डर भी ज़्यादा रहता है और बारिश में गाड़ी स्कीड भी बहुत करती है, तो अब लाइटों वाली प्रॉब्लम तो कम होगी, दिन में दिख भी ठीक रहा है
जाओ, अपन आराम से चलेंगे। तो 66 किलोमीटर है, 58 मिनट पहुंचा दूंगा आराम से टाइम से। अच्छा ये तो कल वाली जगह आ गई ना, जहाँ पे वो पाइपलाइन डाल रहे थे। बारिश में तो क्या ही काम करते हैं, बारिश में भी लगे पड़े हैं, सब मेहनती है पूरे लोग इधर के। ऐसा नहीं है बारिश में तो करना है तो करना है, खतरनाक ही कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा जो अपने लोगों को छुट्टी नहीं देता होगा बारिश में। करो सही नहीं वैसे पंक्चुअल। वैसे रात को ज़्यादा काम चलता होगा ना इधर, क्योंकि रात को ट्रैफिक नहीं होता है, तो ये आधे से ज़्यादा रोड रोक देते होंगे। तो मुझे उतनी प्रोग्रेस तो लगी नहीं इतनी, इतनी में क्या ही प्रोग्रेस होगी, वैसे वो भी तो बेचारे इंसान है। अरे यार फिर से चलान कट गया, -3,000, उसमें से आधे तो फ्यूल वाले हैं जो कि हमें कंपनी ने 2500 मान लो माइनस नुकसान। देखो साइड में किसी ने या तो कोई ओवर स्पीडिंग करके या ड्रिंक एंड ड्राइव वाला होगा जिसको पुलिस वाले ने रोक रखा था। अभी से इंडिकेटर देख लेते हैं भाई सर, ये फिर भाई वो ये बिना मतलब ये सीधा घुमाता है भाई चलते चलते, क्या आदमी पागल वागल। और भाई ये तो कल वाला वही वाला कार्ड है जहाँ गाड़ी वाला पीछे से लाके ठोक दिया था अपने आप, इस बार फिर हमारे आगे ट्रक वाला है, इससे तो आगे निकाल ही लूँगा साइड से, साइड में तो फैंस में चुका है आराम से निकल जाए तो फिर ये ठोक है। अबे भाई एक और आ गया भाई इधर साइड से, क्या क्या कर, इसको दिख ही रहा था कि सामने से आ रहा हूँ मैं, रुक गया। अब 400 यूरो ले लिए इसने, अब तो रुक जा, अब तो रुक जा भाई, अब तो जाने दे मुझे ज़्यादा जल्दी से। भाई ये बराबर में चला रहे यार, क्या जिद्दी बंदा है ये, चलो देखते हैं मैं भी इसके बराबर में चलूँगा। मेरे को नहीं लगता मैं इससे आगे निकल पाऊँगा यार, कच्चा रास्ता इधर कीचड़ हो गया, साइड में पूरा गाड़ी धस धस के चल रही है, हाँ ये पूरा रोड पे निकल जाएगा, इसको जाने देते हैं। चलो इससे आगे तो मैं निकाल के रहूँगा, अब मुझे जो कितना ही सीधा जाना पड़े, इससे आगे तो मैं निकाल दूँगा। रुक जा भाई, ऐसे कहाँ से निकाल रोड पर आने दे मुझे, मैं बताऊँगा तुझे। तुमने अब ड्राइवर आजकल के बच्चे लोग पैदा होने से पहले इनको चाबी दे दी जाती है गाड़ी चलाने, फिर इनमें इतनी अकड़। रुक भाई तेरे को मैं बताता हूँ, डट जा डट, तू बना हो रहा है विषय तो। खड़ जा तेरी, रुक आगे जाएगा हमसे, हम लेते हैं भाई लेफ्ट टर्न, अब तो आराम से। अब मेरे को ऐसा हो जाता है लास्ट के 10 किलोमीटर जब होते हैं भाई जल्दी से पहुँचूँगा, पूरे रास्ते में इतनी जल्दी नहीं होगी बट लास्ट के जो 5-10 किलोमीटर होते हैं ना वहाँ पे मैं बहुत जल्दी में चलता हूँ। ये आ गया भाई अपना कल वाला काली सिंह वाला रास्ता, याद होगा आप सबको, और कल ही वाली फैक्ट्री में जाना है सेम ही जगह। देखो लगातार 2 दिन सेम ही जगह, सुबह के 8:30 बजे आ गया उनका लेबर, फ़ोन आया था मुझे भी भाई इतने देर हो लगे, ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनवा रखा उन्होंने, आ गया हमारे लिए से करेंगे यार ओवरनाइट चल गया है तो आगे चलते हैं, अपन गाड़ी लगा देंगे वहाँ पे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और 2-3 घंटे में वो गाड़ी खाली कर देंगे, फिर उतार लेंगे आराम से फिर हम चलेंगे यहाँ से। नहीं तो देखते हैं अगर यहाँ से ही हमें आगे कोई मिशन मिलता है, आगे कोई मिलता है तो ठीक है वहाँ चलने में। अरे यार ये स्लिप हो रहा है टायर, ब्रेक लगी थी ना, मैं सबसे ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पे पार्किंग ब्रेक लगाया। हाँ ये देखो बारिश में यही दिक्कत होती है बस। चलो अब तो अपन पहुँचने वाले हैं, बस ज़्यादा टाइम नहीं, 1 किलोमीटर ही बस, आगे रेड लाइट भी आ गई, हाँ पहुँच गए लगभग मान लो। ठीक है आज की वीडियो
कैसी लगी आप बताना मुझे। और हाँ पक्का वीडियो को लाइक तो करने के और कमेंट भी छोड़ना अच्छे से यार, बता दो और कोई गेम अगर आपको चाहिए तो। और अगर आपको गिव अवे का याद है तो वो भी करो, पहले 1000 सब्सक्राइबर 5000 स्टीम का वाउचर या फिर अमेज़ॉन का वाउचर, ठीक है। चलो भाई पहुँच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पर, आप तो थोड़ा सा आगे हो गए। चलो फिर आज की इस वीडियो में इतना, थैंक यू।